अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर दिया और इसी के साथ ही राजस्थान की सरकार पर मंडराता संकट समाप्त हो गया है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जादूगर कहा जाता है, वाकई वो जादूगर है। पिछले 1-1.5 महीने से उन्होंने अपने विधायकों को जिस तरह से संभाल कर रखा, सचिन पायलट भले चले गए, 18 विधायक भले उनके साथ चले गए, लेकिन अपने बहुमत को लेकर वो आश्वस्त थे, सदैव आश्वस्त थे और कभी भी उनका विश्वास डिगा नहीं। आज भी विधानसभा में उनके तेवर देखने लायक थे। जब अपना संबोधन उन्होंने शुरू किया तो उसके शुरुआत में ही उन्होंने साफ कर दिया था, सरकार नहीं गिरने दूंगा, और वाकई सरकार नहीं गिरने दी। सचिन पायलट साथ आ गए थे तो अपना बहुमत उन्होंने साबित कर दिया, हालांकि उनके पास नंबर पहले से थे और ये जो नंबर्स थे वो कई बार मीडिया के समक्ष प्रदर्शित कर चुके थे। आज का जो उनका संबोधन था वो उसमें ज्यादातर टारगेट पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के अन्य आला नेता रहे। अशोक गहलोत बार बार कहते रहे कि हमारी सरकार लगातार राजस्थान के विकास के लिए काम कर रही है, लेकिन बीजेपी हमारी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जब भीलवाड़ा मॉडल की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही थी, बीजेपी ने हमारी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में पूरा देश जूझ रहा है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह डामाडोल हो गई है, लेकिन ये लोग राजनीति में लगे रहे। पहले मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी और अब राजस्थान में प्रयास कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, ये लोग संविधान को नहीं मानते हैं, जमकर बरसे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और आज के इस पूरे जो विधानसभा में जो भी कार्यवाही हुई, चाहे मुख्यमंत्री का भाषण था, नेता प्रतिपक्ष का भाषण था, अन्य विधायकों के भाषण थे, मंत्रियों के भाषण थे, उसमें सचिन पायलट का भाषण सबसे महत्वपूर्ण था क्योंकि उनके भाषण में उनका दर्द झलक रहा था। आज सचिन पायलट को देखिए, क्योंकि वो अब डिप्टी सीएम नहीं है तो उनकी कुर्सी बिल्कुल पीछे लगा दी गई थी, आने जाने के रास्ते में लगी हुई थी, और सचिन पायलट ने कहा कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर होते हैं यानी कि जो मजबूत योद्धा होते हैं उन्हें ही बॉर्डर पर भेजा जाता है, तो वो बिल्कुल साइड में जो कुर्सी लगा दी गई थी किनारे पीछे, तो एक बड़ा तंज था उनका। और जिस तरीके से वो बार बार मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते रहे कि उनको अपमानित करने का प्रयास किया जाता रहा, तो आज भी लग रहा था कि सचिन पायलट का अपमान किया गया है। हालांकि ठीक है, मिल रहे हैं, सब लोग साथ में हैं, वो अलग बात है, लेकिन देखना होगा कि साथ कब तक आगे चलता है, कितना आगे चलता है, और सचिन पायलट ने जो मुद्दे उठाए हैं उनका क्या समाधान हो पाता है या नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार कहते रहे कि बीजेपी कांग्रेस की सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है और ये जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना लेकर ये बीजेपी के जो नेता आए हैं ये सपना पूरा नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में इनका कोई योगदान नहीं है, इन्होंने अपनी उंगली तक नहीं कटाई थी, इस तरीके की बातें भी कही गई। वहीं जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने भी जबरदस्त पलटवार किए, सचिन पायलट का हमने आपको बताया उन्होंने का जो तंज था वो किस तरीके से उभर कर आया, ऐसे ही अन्य विधायकों ने भी अपनी अपनी बात रखी है। इससे पहले राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही 2 घंटे स्थगित रहने के बाद दोपहर 1 बजे फिर शुरू हुई। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने विश्वास मत प्रस्ताव रखा। इस पर बहस करते हुए धारीवाल ने कहा कि राजस्थान में ना तो किसी शाह की चली ना तानाशाही की। प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने सदन में केंद्रीय मंत्री अमित शाह का नाम लेने पर आपत्ति जताई। संसदीय कार्य मंत्री धारीवाल ने कहा कि अकबर को महाराणा प्रताप ने नाको चने चबवा दिए थे। इसी तरह जब भाजपा सभी जगह सरकारें गिराकर राजस्थान पहुंची तो वीर सपूतों ने अशोक गहलोत के नेतृत्व में छठी का दूध याद दिला दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ये कहती है कि कांग्रेस ने विधायकों की बाड़ेबंदी की, अगर ये बाड़ेबंदी है तो आपने जो विधायक गुजरात भेजे थे वे क्या रासलीला रचाने के लिए भेजे थे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए भाजपा ने आधी रात को राष्ट्रपति को जगा दिया, जिस दिन फडणवीस की सरकार गिरी उस दिन मोटा भाई और छोटा भाई को इस्तीफा दे देना चाहिए था। उधर भाजपा ने सुर बदलते हुए कहा कि वह अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएगी। इस बीच सदन में बैठक व्यवस्था बदली गई। डिप्टी सीएम के पद से हटाए जाने के बाद सचिन पायलट अब अशोक गहलोत के बगल वाली सीट पर नहीं बल्कि दूसरी लाइन में बैठे। उनके लिए निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा के बगल वाली 127 नंबर की सीट अलॉट की गई। गहलोत के पास वाली सीट पर मंत्री शांति धारीवाल बैठे। पायलट के साथ ही पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा की सीट भी बदली है। विश्वेंद्र को आखिरी लाइन में 14 नंबर सीट और मीणा के लिए 5वीं लाइन में 54 नंबर की सीट दी गई। हाउस के अंदर आया और सीट को यहां पर पाया, मैं बहुत लंबा इंटरवेंशन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन पहले जब मैं वहां बैठता था तो सुरक्षित था, सरकार का हिस्सा था। फिर मैंने सोचा कि अध्यक्ष महोदय ने और हमारे चीफ व्हिप साहब ने मेरी सीट यहां पर क्यों रखी है,
दो मिनट मैंने सोचा और फिर देखा कि ये सरहद है, पक्ष है विपक्ष है, और सरहद पर किसको भेजा जाता है? सबसे मजबूत योद्धा को भेजा जाता है। और आज इस विश्वास मत में जो चर्चा हो रही है उसमें बहुत सी बातें बोली गई, बहुत सी बातें बोली जाएंगी। समय के साथ साथ सब बातों का खुलासा होगा। आज मैं भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, जो कुछ कहना था सुनना था, चाहे मैं हूं चाहे मेरा कोई साथी हो, हम लोगों ने जिस डॉक्टर के पास अपने मर्ज को बताना था वो बता दिया। इलाज कराने के बाद हम सब लोग, आज 125 लोग यहाँ सदन में खड़े हैं, और सदन के अंदर जब हम सब लोग आए हैं तो कहने सुनने वाली बातों को परे हटकर आज वास्तविकता पर ध्यान देना पड़ेगा। धरातल पर जब हमने कल संकल्प लिया, बैठकर बातें करी, सारी बात खत्म करकर आज सदन में जब प्रवेश किया है, तो इस सरहद पर कितनी भी गोलाबारी हो, हम सब लोग और मैं कवच और ढाल, गदा और भाला बनकर यहाँ पर सुरक्षित रखूंगा। आपको बताना चाहता हूँ, कोरोना की वजह से भी विधायकों को दूर दूर बैठाया गया, इसके लिए 45 से ज्यादा अतिरिक्त सीटें लगाई गई। सदन में हंगामे की आशंका को देखते हुए सोफे और कुर्सियों को चेन से बांध कर रखा गया। सुबह 11 बजे सत्र शुरू हुआ तो मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी थी। होटल में ठहरे कुछ कांग्रेस विधायक तेज बारिश और ट्रैफिक जाम होने की वजह से समय पर विधानसभा नहीं पहुंच पाए। दूसरी ओर बसपा ने व्हिप जारी कर अपने विधायकों से कहा है कि सदन में फ्लोर टेस्ट हो तो कांग्रेस के खिलाफ वोट करें। राजस्थान की राजधानी जयपुर सहित राज्य के अलग अलग भागों में आज भारी बारिश हुई है, और जयपुर में तो बारिश का पानी कई जगह सड़कों पर घुस गया, रेलवे स्टेशन पर बुरा हाल हो गया, और भी कई जगह लोग परेशान रहे बारिश के पानी से। आइए आपको दिखाते हैं जरा जयपुर में शुक्रवार को ही बारिश से बेहाली के कुछ दृश्य। उधर उच्चतम न्यायालय ने एक्टिविस्ट अधिवक्ता प्रशांत भूषण को न्यायपालिका के प्रति उनके दो अपमानजनक ट्वीट के लिए उन्हें शुक्रवार को अवमानना का दोषी ठहराया। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने कहा कि इस अपराध के लिए प्रशांत भूषण को दी जाने वाली सजा के बारे में 20 अगस्त को बहस सुनी जाएगी। न्यायालय की अवमानना कानून के तहत अवमानना के दोषी व्यक्ति को 6 महीने तक की साधारण कैद या 2,000 रुपये जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने 5 अगस्त को इस मामले में सुनवाई पूरी करते हुए कहा था कि इस पर फैसला 14 अगस्त को सुनाया जाएगा। अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने उन दो ट्वीट का बचाव किया था जिसमें कथित तौर पर अदालत की अवमानना की गई है। उन्होंने कहा था कि वे ट्वीट न्यायाधीशों के खिलाफ उनके व्यक्तिगत स्तर पर आचरण को लेकर थे और वे न्याय प्रशासन में बाधा उत्पन्न नहीं करते। न्यायालय ने इस मामले में एक याचिका का संज्ञान लेते हुए प्रशांत भूषण के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही के लिए उन्हें 22 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। पीठ ने भूषण के ट्वीट का जिक्र करते हुए कहा था कि ये बयान प्रथम दृष्टया जनता की नज़रों में उच्चतम न्यायालय के संस्थान और विशेषकर प्रधान न्यायाधीश के पद की गरिमा को कमतर करने में सक्षम है। प्रशांत भूषण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने भूषण का बचाव करते हुए कहा था, दो ट्वीट संस्था के खिलाफ नहीं थे, वे न्यायाधीशों के खिलाफ उनकी व्यक्तिगत क्षमता के अंतर्गत निजी आचरण को लेकर थे, वे दुर्भावनापूर्ण नहीं हैं और न्याय के प्रशासन में बाधा नहीं डालते हैं। उन्होंने कहा था कि न्यायशास्त्र के विकास में भूषण का बहुत योगदान है और कम से कम 50 निर्णयों का श्रेय उन्हें जाता है। इस संबंध में उन्होंने कहा था कि शीर्ष अदालत ने भी 2G स्पेक्ट्रम आवंटन,
कोयला खदान आवंटन घोटाले और खनन मामले में उनके योगदान की सराहना की है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के स्थगित करने के एडीएम जबलपुर के मामले का संदर्भ देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि न्यायाधीशों के खिलाफ अत्यंत असहनीय टिप्पणी किए जाने के बावजूद अवमानना की कार्रवाई नहीं की गई। भूषण ने 142 पन्नों के जवाब में अपने दो ट्वीट पर कायम रहते हुए कहा था कि विचारों की अभिव्यक्ति हालांकि मुखर, असहमत या कुछ लोगों के प्रति असंगत होने की वजह से अदालत की अवमानना नहीं हो सकती। उन्होंने यह भी दलील दी थी कि नागरिकों को जवाबदेही और सुधार की मांग करने से और इसके लिए जनमत तैयार करने से रोकना तर्कसंगत प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था कि तर्कसंगत आलोचना का गला घोटने के लिए संविधान के अनुच्छेद 129 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। उधर देश में कोरोना की स्थिति की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 64,500 नए मामले सामने आए, जिसके बाद 24 लाख से ज्यादा संख्या हो गई है देश में कुल संक्रमितों के। लेकिन राहत की बात देखिए, राहत की बात यह है कि 17 लाख लोग अब तक ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं मृत्यु का जो आंकड़ा है वो भी हमारे देश में सबसे निम्न स्तर पर है। हालांकि पिछले 24 घंटे में लगभग 1,000 लोगों की मृत्यु हो गई है और अब तक देखें, हम जब से कोरोना का ये सारा प्रकोप चला है तब से अब तक 48,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।